अर्जुन सिंह ने अपने साथ मारपीट का आरोप लगाया है। इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के पोलिंग एजेंट से भी मारपीट का आरोप लगाया है। इसमें एलिगेशन है कि हमारे एजेंट को टीएमसी के गुंडों ने मार पीट कर भगा दिया है और उनको खून करने की धमकी दी गई है, उनकी मां को भी खून करने का धमकी दिया गया है। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण पे पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसमें कुछ सीटें काफी अहम है, जैसे बोनगा, बैरकपुर, उलुबेरिया, श्रीरामपुर, हावड़ा, हुगली। जब से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है, मतदाता भारी संख्या में आकर पहुंच रहे हैं पोलिंग स्टेशन पे अपना वोट डालने के लिए। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सेंट्रल फोर्स की तैनाती में यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने चौथे फेज के बाद ही कह दिया था कि बचे हुए जितने भी चरण हैं चुनाव के, उसमें सिर्फ सेंट्रल फोर्स की निगरानी में चुनाव कराए जाएंगे। पोलिंग स्टेशन के अंदर स्टेट पुलिस के कोई भी कांस्टेबल या ऑफिसर नहीं होंगे और 100% जो है सेंट्रल फोर्स के तैनाती में यहां पे चुनाव चल रहे हैं। अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र के आज तीसरे चरण का मतदान है और ये मतदान इस क्षेत्र के सबसे संवेदनशील इलाके में हो रहा है, शुपियन और पुलवामा ज़िले में। याद है कि पुलवामा वही इलाका है जहां एक सुसाइड अटैक हुआ था और 40 सीआरपीएफ के जवान जो है शहीद हुए हैं। तब से यहां काफ़ी तनाव है पूरे इलाके में और इस वक्त हम पुलवामा इलाके में ही खड़े हैं। पोलिंग बूथ पर आप देख सकते हैं कैसे सुरक्षा बलों को यहाँ तैनात किया गया है। पांचवें चरण का मतदान आज शुरू हो गया है और आज अगर हम बात करें तो इस पांचवें चरण में लखनऊ जैसा महत्वपूर्ण वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है जहां से बीजेपी के प्रत्याशी केंद्र के गृह मंत्री राजनाथ सिंह यहां से प्रत्याशी हैं। राजनाथ सिंह के खिलाफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस से आचार्य प्रमोद कृष्णन और समाजवादी पार्टी से पूनम सिन्हा, जो फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी है, वो यहाँ से चुनाव मैदान में है। लोकतंत्र के इस महापर्व में रायबरेली की जनता भी अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। तमाम मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। सर, आपने वोट डाल दिया? जी जी, बिल्कुल डाल दिया। हम चाहेंगे तो निशान आप दिखाइए। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट कास्ट किया? एक ही मुद्दा, केवल विकास, देश का डेवलपमेंट हो, मेरा यही एक मुद्दा है बस। और भी तमाम जो लोग हैं रायबरेली की, आप जनता हैं, यहाँ से सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही हैं, उनके सामने दिनेश प्रताप सिंह हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख के आपने वोट कास्ट किया? देश हित। अपना वोट कास्ट? हाँ। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट कास्ट अपना किया? मैंने ज़्यादातर अपना एजुकेशन, ऑब्वियसली मैं जिस पे हूँ मैं एजुकेशन और जॉब को लेकर ज़्यादा हूँ, और बाकी लड़कियों के लिए सिक्योरिटी भी ज़्यादा चाहिए। अपना वोट कास्ट कर दिया है? जी जी। किन मुद्दों को लेकर आपने अपना वोट कास्ट? विकास, विकास का मुद्दा जी। तो देखिए, ये वो जनता है जो अपने घरों से निकली है और इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले चुकी है। हम इस वक्त हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में हैं और हमारे ठीक पीछे मतदान केंद्र देख रहे हैं। यहाँ वोटिंग का काम लगातार सुबह से जारी है। यहाँ पे ये डेमोटार का इलाका है और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा उम्मीदवार हैं और एक बार फिर से हजारीबाग से किस्मत आजमा रहे हैं। उनके मुकाबले में कांग्रेस के गोपाल साहू और सीपीआई के भुवनेश्वर मेहता मैदान में है और लोगों की उत्साह आप देख सकते हैं कि मतदान को लेकर क्या उत्साह है। सुबह से ही लोग कतार में लगे हुए हैं, महिलाओं की कतार अलग और पुरुषों के अलग है। फतेहपुर लोकसभा चुनाव की मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सुबह से जो मतदाता है वो अपनी जागरूकता का परिचय दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि सुबह उठ करके जो मतदाता है वो पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं और लगातार मतदान की प्रक्रिया चल रही है। अपने स्थानीय मुद्दे हैं, कुछ देश के मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों के साथ यहाँ पर चाहे वो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सब के सब पहुँचे रहे हैं और अपने मुद्दों के साथ मतदान कर रहे हैं। क्या सोचकर मतदान करने आए हैं? अपने शहर की प्रमुख समस्या सिविल लाइन रीवा का मतदान क्रमांक 111 पे भी हम मौजूद है और यहाँ पे भी वोटिंग शुरू हो चुकी है। केसी त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने इस मतदान केंद्र पे पहला वोट अपना डाला है। इसके साथ साथ आपका क्या नाम है? सुनील वर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने दूसरा यहाँ पे दूसरा मतदाता थे जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया। त्रिपाठी जी, वोट कास्ट तो आपने कर दिया, जरा निशान दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये देखिए, ये लोकतंत्र के पर्व की इतनी खूबसूरत निशान है जिसे देखकर दूसरे लोग भी प्रेरित होते हैं। त्रिपाठी जी, क्या मुद्दे रहे इस बार? विकास का मुद्दा था। विकास का मुद्दा,
अच्छा ये बताइए कि स्थानीय मुद्दे भी थे रीवा के या ज्यादातर केंद्रीय मुद्दे? राष्ट्रीय मुद्दे देखिए लोकसभा में केंद्रीय मुद्दे ही होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे तो होते नहीं, तो ज्यादातर राष्ट्रीय मुद्दों पे ही। आप बताइए क्या मुद्दा? सर सबसे बड़ा मुद्दा है देश का है, देश सुरक्षित हाथों पे है, हम लोग आगे के पीढ़ी यहाँ है तो हम लोग यही चाहेंगे कि अपना देश और मजबूत बने। सरकार की जो नीतियाँ बेहतर रहनी चाहिए, विकास उन्मुख रहनी चाहिए और सर थोड़ा सुधार होना चाहिए। झारखंड के खूंटी लोकसभा जो कि एक नक्सल प्रभावित इलाका भी माना जाता है, इस क्षेत्र में भी जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें इस वक्त मैं मौजूद हूं भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू में। यहां पर आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व के मौके पर जो उत्साह जो है वो किस तरह से देखने को मिल रहा है। नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से यहां पर भारी संख्या में फोर्सेस को भी हमके तैनात किया गया है, लेकिन उत्साह देख सकते हैं आप चरम पर है। 2019 लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण का आज सीतामढ़ी जिले में मतदान जारी है। हम यहां खड़े हैं, आदर्श मतदान केंद्र है जो नगर पंचायत में पड़ता है और यहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मतदान देने के लिए यहां लोग खड़े हैं। किस तरीके का सरकार आप चाहते हैं यहां? सबसे पहला बात है लोकतंत्र के महापर्व पर पहले मतदान फिर जलपान की अतिशोक्ति को आगे रख के हम लोग सपरिवार वोट डालने आए हैं। मुजफ्फरपुर में पिंक बूथ की भी व्यवस्था की गई है, आप देख सकते हैं पिंक कलर में जो है पंडाल है, सोफ़ा लगाए गए हैं, कुर्सियां लगाई गई हैं और जो भी कुर्सियां हैं वो VIP कुर्सियां हैं। खास बात यहां ये है कि जो भी मतदान कर्मी हैं वो सारे के सारे महिलाएं हैं, पुलिस फोर्स भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गई है, CISF के जवान हैं जो सुरक्षा में लगे हुए हैं। अंदर मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए सिर्फ महिलाएँ मतदान कर्मी हैं। मधुबनी लोकसभा के बूथ नंबर 49 पे हूँ, यहाँ पिंक बूथ बनाया गया है, यहाँ सिर्फ महिला कर्मी ही मतदान कर्मी हैं। और मधुबनी लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ 17 प्रत्याशी मैदान में हैं, कुल वोटर 17,92,000 हैं। बात करते हैं यहाँ के वोटरों से, क्या मुद्दा है इनका, किस मुद्दों पे ये लोग वोट कर रहे हैं जी बताइए। क्या सबसे बड़ा मुद्दा? हम लोगों का विकास जो करेंगे उन्हीं को हम लोग वोट दें। गृह मंत्री और लखनऊ से BJP उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने लखनऊ में पूरे परिवार के साथ मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद राजनाथ ने BJP को स्पष्ट बहुमत मिलने और मोदी के दोबारा PM बनने का दावा किया। उस संबंध में मैं आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत तो मिलेगा ही मिलेगा, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। NDA को थर्ड में जाके किसी भी सूरत में हमारे मोदी जी ही भारत के प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सीट से BJP प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपने पूरे परिवार के साथ मताधिकार का प्रयोग किया। वोटिंग के बाद राज्यवर्धन ने देश में दोबारा BJP सरकार के बनने का दावा किया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार 2014 की तरह पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनने वाली है। सब जाति धर्म पंथ सबसे ऊपर उठकर एक भारत और श्रेष्ठ भारत का एक मन बना चुकी है जनता। BSP अध्यक्ष मायावती ने भी लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज पहुंचकर मतदान किया। मतदान के बाद माया ने कहा कि देश में बदलाव होने जा रहा है और इसमें उत्तर प्रदेश अपनी सराहनीय भूमिका निभाने जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए माया ने अपील की कि लोग घरों से निकलकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें। वोट डालने के लिए वो जरूर अपने पोलिंग बूथ पर जाएं, तो देश और जनहित में बहुत सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। झारखंड के हजारीबाग में पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने मतदान किया। यशवंत सिन्हा ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला। वोटिंग के बाद यशवंत ने कहा कि भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि लोगों के अंदर मतदान को लेकर उत्सुकता है। ये जो एक चेतना है लोगों के मन कि हम जाएं अपने मत का प्रयोग करें, ये हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी खूबी है आज भारत के लोकतंत्र की। हजारीबाग से यशवंत सिन्हा के पुत्र और केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा BJP से उम्मीदवार हैं। पांचवें चरण में आज 7 राज्यों की 51 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें अमेठी और रायबरेली में मतदान हो रहा है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जबकि राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की 7-7 सीटों पर भी वोटिंग जारी है। बिहार की 5 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर।
आज कई हाई प्रोफाइल सीटों के लिए मतदान हो रहा है। अमेठी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी टक्कर दे रही हैं, जबकि रायबरेली सीट से सोनिया गांधी का मुकाबला बीजेपी के दिनेश सिंह से है। लखनऊ में गृहमंत्री राजनाथ सिंह को समाजवादी पार्टी की पूनम सिन्हा और कांग्रेस के प्रमोद कृष्णम के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। राजस्थान की जयपुर ग्रामीण से केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के लिए मतदान हो रहा है। इनका मुकाबला कांग्रेस की प्रत्याशी कृष्णा पुनिया से है। वहीं झारखंड के हजारीबाग से केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जिनका मुकाबला कांग्रेस के गोपाल साहू से है।